सुप्रीम कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की तरफ भेजे गए समन पर रोक लगाई है। ट्रायल कोर्ट बतौर आरोपी उन्हें पेश होने के लिए समन भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल, केटीएस तुलसी सहित कई दिग्गज वकील कोर्ट में मौजूद थे, जिन्होंने मनमोहन सिंह की तरफ से जिरह किया और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें कि 8 अप्रैल को बतौर आरोपी मनमोहन सिंह को पेश होना था और साथ ही पीसी पारेख और कुमार मंगलम बिरला को भी पेश होना था। तो न सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बाकी इन दो लोगों को भी राहत मिली है। और सुप्रीम कोर्ट से अब ये कहा गया है कि अगली सुनवाई जब कोर्ट में होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी, उसके बाद जो फैसला सामने आएगा उसके बाद ही ट्रायल्स हो सकते हैं। तब तक निचली अदालत में भी इस मामले को लेकर ट्रायल नहीं होगा। और वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के नेता अश्विनी कुमार ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को अपने ध्यान में कबूल किया है और ये फैसला किया है कि जो मुख्य कानूनी मुद्दे इन पिटिशनों में उठाए गए हैं उन पर फैसला सुप्रीम कोर्ट करेंगे और उसके बाद जो भी फैसला होगा आगे की कार्रवाई होगी। तब तक के लिए, यानी जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इन मुद्दों पर नहीं सुनाते, तब तक के लिए जो निचली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, ट्रायल कोर्ट का जो समनिंग ऑर्डर है या उनकी प्रोसीडिंग्स हैं, वो स्थगित हैं, वो सस्पेंडेड हैं या स्टेड हैं। और इस मामले पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राहत मिली है कोल घोटाले के मामले में। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से स्टे कर दिया है जो भी अब तक कार्यवाही चल रही थी, प्रोसीडिंग्स चल रही थी मनमोहन सिंह के नाम पर और मनमोहन सिंह को जो समन्स दिए गए थे। देखिए, ये अदालती मामला है, निचली अदालत से संबंध हुआ, ऊपरी अदालत ने उस पर रोक लगाई। इसमें कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है। हम ये मानते हैं कि जो कोल स्कैम हुआ वो कांग्रेस के दौरे इख्तदार में हुआ था और कांग्रेस उस वक्त जांच तब से ही चल रही है, सीबीआई तब से ही जांच कर रही है और ये कोर्ट के ज़रिए मॉनिटर है। पूरी तरह निचली अदालत जो है वो सीबीआई की जो अदालत है उसमें मामला अभी है। वो किसको बुलाएं नहीं बुलाएं तो अदालत सारे पक्ष को सुनेगी। अभी पहले तौर पर ये लोग वहाँ गए थे तो उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन ये अदालती मामला है और कानून अपना काम करेगा। और जांच भी खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कितने बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो लेकिन सीबीआई को बिना प्रभावित हुए जांच करना चाहिए। तो सीबीआई भी, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह मॉनिटर कर रही है इस जांच को भी।